हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्चेस वर्ड। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्चेस वर्ड में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत ही मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, गर्मा गर्म क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं 5 तरह के क्रिस्पी क्रंची पकौड़े। जी हाँ, स्ट्रीट स्टाइल पकौड़े बनाने वाले हैं। तो देर नहीं करते और बनाते हैं इस बारिश के मौसम में अदरक की चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े। तो चलिए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। मिक्स पकौड़े के लिए आलू, प्याज, हरी मिर्च, केला और घिया सभी के पकौड़े बनाने वाले हैं। तो चलिए पकौड़े बनाने से पहले जो है हम बेसन का घोल तैयार करके रख लेते हैं। तो 200 ग्राम बेसन लिया है मैंने, 1 चम्मच अजवाइन पाउडर, 1 छोटा चम्मच हींग पाउडर, 1 चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक फाइन सा घोल तैयार कर लेंगे और इस घोल को हम आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि बैटर जो है वो थोड़ा फूल जाए। और थोड़ी देर रखने से फ़र्क ये होता है कि जब हम पकौड़े बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक फाइन सा घोल तैयार कर लेंगे। तो घोल को मैं तैयार कर लेती हूँ, तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, पकौड़े खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और मौसम अगर बारिश का हो तो फिर बारिश का मौसम जो है वो पकौड़े और चाय के बगैर अधूरा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयार कर लिया है और तैयार करके उसका टेक्सचर और लुक कुछ इस तरीके का आएगा। तो बस दूसरी तरफ जो है इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए और दूसरी तरफ जो है हम आलू, प्याज, हरी मिर्च, केला और घी को जो है वो कट कर लेंगे राउंड शेप में। प्याज को हमें लंबे लंबे पीसेस में कट करना है, हरे मिर्च को लंबे पीस में और बाकी जो केला, आलू इसको हम और घिया इसको हम राउंड शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे जो हमने वेजिटेबल्स कट की हैं वो हमने बेसन के अंदर डाल दिया है। तो इसमें हमने जितने भी वेजिटेबल्स कट किए हैं उसके हम अलग अलग पकौड़े भी बनाएंगे और एक मिक्स पकौड़ा भी बनाएंगे। तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। तो घोल एक ही है, बस पकोड़े अलग अलग बनने वाले हैं, बस आप देखते जाइए। तो सबसे पहले हम आलू और केले के पकोड़े बनाएंगे। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसके पकोड़े के घोल के अंदर से हम आलू और केला जो है उसके पकोड़े बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन करके केले और आलू को हमने निकाल लिया है। उसके बाद हम डालेंगे घिया, प्याज और हरी मिर्च। तो ये देखें, तो कुछ घीये के सिंगल ही बनाएंगे, मतलब सिर्फ घीये के, और कुछ मिक्स बनाएंगे। तो उसमें प्याज, आलू, हरी मिर्च होगी, किसी में प्याज, केला और हरी मिर्च होगी। इस तरीके से मिक्स पकौड़े भी बनाएंगे, खाने में बहुत ज़्यादा क्रंची और टेस्टी लगते हैं। एक बार जरूर इस तरीके से बना के देखें, अलग अलग पकौड़े सब बनाते हैं, एक बार इस तरीके से मिक्स भी बना के देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने में और खिलाने में। तो इस तरीके से बस गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम से हाई के बीच में रहेगी। पकौड़े बनाते हुए एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि गैस की फ्लेम जो है वो स्लो ना करे, इससे जो पकौड़े हैं वो सॉफ्ट बन जाते हैं, वो क्रिस्पीनेस नहीं आ पाती उसके अंदर। तो मीडियम से हाई के बीच में ही पकौड़े जो है वो फ्राई किए जाते हैं। तो इसको हम गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई करेंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से पकौड़े जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, एक साइड से हो चुका है। तो मैं इसको पलट लूँगी और दोनों तरफ से इसको फ्राई कर लूँगी और गोल्डन फ्राई होने के बाद फिर हम इसको प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। और दूसरी तरफ मैंने चाय भी बना के तैयार कर ली है ताकि हम पकौड़े का मज़ा जो है वो बारिश और चाय दोनों के साथ ले सके। तो इसको अच्छे से फ्राई करना है हमें। आँच यहाँ पे जो है गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी है, मीडियम से हाई के बीच में ही रहेगी गैस की फ्लेम। फ्रेंड्स, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, स्लो नहीं करनी गैस की फ्लेम को, वरना पकौड़े जो हैं वो आपके बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ज़्यादा ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं एक तरफ से अच्छी तरीके से सिक चुके हैं पकौड़े। तो हमें इसे दोनों तरफ से क्रिस्पी करना है, कलर थोड़ा इसका गोल्डन ब्राउन आ जाए। तो पकौड़े हमारे बन चुके हैं, इसको हमें प्लेट के अंदर कर लेते ट्रांसफ़र। तो ये देखें मैंने इसको बाउल के अंदर निकाल लिया है और बस इस तरीके से बाकी के पकौड़े भी बना के तैयार कर लेंगे और इसके बाद प्लेट की सर्विंग करते हैं। तो आ जाए आप भी और फटाफट से टेस्ट करके बताएं कि कैसे बने हैं पकौड़े। खाने से पहले एक ज़रूरी बात कि पकौड़े बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप पकौड़े जो हैं वो लोहे की कढ़ाई में और सरसों के तेल में बनाएंगे तो उसका टेस्ट जो है
बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक बार ज़रूर लोहे की कढ़ाई में पकोड़े बना के देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पकोड़ों का लुक, टेक्सचर। तो मैंने यहाँ पे प्लेट के अंदर कुछ मिक्स पकोड़े रखे हैं, और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं घिये के पकोड़े हैं, केले हैं, हरी मिर्च है, आलू है, और साथ में प्याज, हरी मिर्च और आलू के मिक्स पकोड़े। तो टेस्ट करें और बताएं कि कैसे बने हैं। जब तक कि आप टेस्ट करते हैं, तब तक करती हूँ मैं एक न्यू रेसिपी की तैयारी। मिलती हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए वेट एंड वॉच यम्मी यम्मी न्यू रेसिपी। आर्चेस वर्ड।